आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे अक्षय टाइगर और एआर रहमान। 22 मार्च को चेन्नई बेंगलुरु के बीच मैच से पहले होगी सेरेमनी चेपॉक स्टेडियम में लेजर शो का रिहर्सल। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कैंप में पहली बार मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ दिखे। ट्रेनिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल की तैयारियों में जुटे। ट्रेनिंग सत्र में बल्लेबाजी करते हुए अपना आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट लगाया। आईपीएल के ओपनिंग मैच से पहले बढ़ी सीएसके की टेंशन। डेवॉन कॉन्वो ने और मशीता पथिराना इंजरी के कारण मिस कर सकते हैं मुकाबला। गुजरात टाइटंस ने मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया। तेज गेंदबाज संदीप वारियर को टीम में किया शामिल। मुंबई इंडियंस ने दिलशान मधुशंका की जगह दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज क्वेना मफाका को टीम में शामिल किया। मधुशंका बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में हुए थे चोटिल। एलएसजी को लगा तगड़ा झटका। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज डेविड विली आईपीएल के शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे, कोच जस्टिन लैंगर ने की पुष्टि। एलएसजी के कप्तान केएल राहुल प्रैक्टिस मैच के बाद लखनऊ पहुंचेंगे, कोच जस्टिन लैंगर ने दी जानकारी। गुजरात टाइटंस ने अपने पहले तीन घरेलू मैचों के लिए टिकट्स की ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री शुरू की। 24 मार्च को मुंबई के खिलाफ गुजरात का होगा सीजन का पहला मुकाबला। आईपीएल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे विराट कोहली, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने जताई उम्मीद। पार्थिव पटेल ने रोहित शर्मा को एमएस धोनी से बेहतर कप्तान बताया। कहा आईपीएल में धोनी ने गलती की लेकिन रोहित शर्मा ने कभी नहीं किया। एमएस धोनी को लेकर बोले जहीर खान, धोनी के लिए क्रिकेट अहम लेकिन सब कुछ नहीं है। धोनी ने ये बात बहुत पहले समझी। आईसीसी ने जारी की वनडे रैंकिंग। रोहित शर्मा एक पायदान के फायदे के साथ चौथे स्थान पर पहुंचे। बाबर आजम नंबर एक पर बरकरार। सूर्य कुमार यादव आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉपर बरकरार। अफगानिस्तान के राशिद खान गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में लौटे। नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी भारतीय टीम। दोनों देशों के बीच खेली जाएगी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज। एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी में होंगे मुकाबले। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम। खिलाड़ियों ने खेल और इंजरी को लेकर पूछे कई सवाल। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 सीरीज टालने के ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर निराशा जताई। क्रिकेट बोर्ड पर अपनी नीतियां ना थोपने के लिए ऑस्ट्रेलिया को दी नसीहत। पाकिस्तान के खिलाड़ी इमाद वसीम ने सन्यासी से वापसी के दिए संकेत। टी20 वर्ल्ड कप खेलते नजर आ सकते हैं, बोले मेरे देश को मेरी जरूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर बोले पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी, पाकिस्तान में ही खेला जाएगा टूर्नामेंट। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे मुकाबले। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन स्विस ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। सिंधु का दूसरे दौर में जापान की शटकर से होगा मुकाबला।